हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। राधास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो जैम, जो बनाना बहुत सिंपल है, खाने में भी टेस्टी है और बच्चे का तो बहुत फेवरेट है ये मैंगो जैम। तो चलिए बनाते हैं मैंगो जैम। बनाने के लिए मैं यहाँ पर 2 ठो पका हुआ आम ले ली हूँ और ये 700 ग्राम करीब है, और 200 ग्राम करीब यहाँ पर मैं शक्कर ले ली हूँ, और 2 टेबल स्पून यहाँ पर नींबू का रस ले ली हूँ, या बोलते हैं ना लेमन जूस। पहले आम को अच्छे से धो लेंगे और इसका छिलका उतार के इसका पल्प निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए मैं आम का पल्प निकाल ली हूँ, अभी इसको पीस लूंगी। ग्राइंडर जार में हम डाल देते हैं और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा भी यहाँ पर पानी नहीं डालना है, ऐसे ही पीसना है। अभी गैस में हम कढ़ाई चढ़ा लिए हैं, इसमें डाल देते हैं हम जो पेस्ट बनाए हैं आम का, और गैस को लो टू मीडियम फ्लेम में रखना है और लगातार ऐसे ही चलाते रहना है। अभी इसमें हम डाल देंगे शक्कर। यहाँ पर मैं 200 ग्राम करीब शक्कर ली हूँ, डाल देते हैं। अगर आपका आम खट्टा है तो शक्कर का मात्रा यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं, अगर मीठा आम है तो कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए ऐसे ही चलाते रहना है, थोड़ा सा भी नहीं बंद नहीं करेंगे, नहीं तो ये तले में चिपक जाएगा। हमारा आम का जो रस है थोड़ा सा गाढ़ा होते जा रहा है आम का रस, तो ऐसे ही हम 15 से 20 मिनट तक चलाएंगे। अभी इसमें डाल देते हैं हम नींबू का रस, यानी लेमन जूस 2 टेबल स्पून, और अच्छे से चला लेंगे। लेमन जूस डालने पर इसका स्टोरेज टाइम बढ़ जाता है और अच्छा फ्लेवर भी आता है। फ्रेंड्स, बच्चे का ये बहुत फेवरेट है, बच्चे तो हमारा बहुत पसंद करते हैं आम वाला जाम को। तो फ्रेंड्स, हमारा जो मैंगो जैम है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, ये देखिए अभी बन गया है हमारा मैंगो जैम। अभी चेक कर लेते हैं ये परफेक्ट बना कि नहीं। तो एक प्लेट में थोड़ा सा जैम को डाल देते हैं और देखेंगे, ये थोड़ा बह नहीं रहा है, तो परफेक्ट हमारा जैम बन के रेडी हो गया है, ऐसे ही होना चाहिए। ये गिर नहीं रहा है तो परफेक्ट हो गया हमारा मैंगो जैम। फ्रेंड्स, कितना अच्छा कलर आया है और गाढ़ा भी हो चुका है, ट्रांसपरेशन दिख रहा है। तो अभी गैस ऑफ कर लेते हैं हम और एक बाउल में निकाल लेते हैं, कांच का बाउल में। ये देखिए कितना अच्छा परफेक्ट बन गया है मैंगो जैम। बच्चे देखेंगे तो सारे चट कर लेंगे। ये लीजिए, हमारा मैंगो जैम बन के रेडी हो गया है। अभी इसको ठंडा होने देते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम कांच के जार में हम भर के फ्रिज में 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं। इसको हम ब्रेड, रोटी या पराठे के साथ हम खा सकते हैं। बच्चे तो बहुत पसंद करते हैं पराठे के साथ या रोटी के साथ। तो आप बनाइएगा और सबको खिलाइएगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।